things. Today I'm going to quickly take you through first, while we are on Zoom, I will take you through some Google tools, so Google Docs, Google Slides, Google Sheets, and also Google Meet. So Google Doc participants, teachers, mostly आपके वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, पर गूगल डॉक में कुछ एडवांस एडिशनल चीजें हैं जो आपके वर्ड डॉक से बेटर आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे हैं, जब भी आप एक साथ वर्क कर रहे हैं, चाहे आप एक साथ डिपार्टमेंट का कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, या फिर कोई प्रोग्राम का ब्रोशर बना रहे हैं, या फिर कोई मीटिंग का मिनट्स बना रहे हैं, कुछ भी काम जो आप एक साथ करना चाहते हैं, दूसरे टीचर्स के साथ भी करना चाहते हैं, तो आप इस चीज को करने के लिए अभी तक ये तरीका अपनाते थे, पहले आप काम करेंगे अपने सिस्टम पे, फिर आप उसे सेव करेंगे, फिर आप उसे सेंड करेंगे, तब तक दूसरा पर्सन खाली बैठा हुआ वेट करता रहेगा, फिर आप उसे वो पर्सन रिसीव करेगा, फिर वो पर्सन कुछ चेंजेस करेगा, तब तक आप नहीं कर सकते, फिर अगेन हम उसे वापस भेजेंगे, एंड हर बार एक नया मेल, एक नई चीजें करेंगे। बट गूगल डॉक में अब हम क्या कर सकते हैं कि आपको सिर्फ अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है और आप साथ में मिलके इन कोलैबोरेशन कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपने बच्चों को भी इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी अब अलग अलग जगहों पे हैं, तो बच्चे भी कभी भी कोई ग्रुप प्रोजेक्ट्स, दो तीन बच्चों को आपने दिया एक साथ, कल हमने देखा था जूम में, एंड में गूगल क्लासरूम पे कैसे हम लोग ग्रुप्स में स्पेसिफिकली उन बच्चों को ही टिक करके कोई प्रोजेक्ट या काम असाइन कर सकते हैं। तो बच्चों को भी अगर काम करना है, या बच्चे और आप दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं, जैसा भी सिचुएशन है, तो आप साइमल्टेनियसली हर कोई कहीं से भी काम कर सकता है, उस पे एडिटिंग कर सकता है, और इसमें कोई सिक्योरिटी का भी खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई जो भी चेंजेस करता है वो सबका रिकॉर्ड रहता है। जैसे आप जी, अभी मैं 1 मिनट में आपको शो करूंगा कैसे आप दूसरों को ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जैसे भी जिसको भी ऐड करते हैं, तो जो भी वो चेंजेस करता है दूसरा पर्सन, वो सब रिकॉर्डेड होगा, किस मोमेंट पे उसने क्या चेंजेस किए हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा, या कोई बदमाशी कर देगा, कुछ आपका डैमेज कर देगा, कुछ गलत कर देगा और वो निकल जाएगा, सारी चीजों का रिकॉर्ड होगा, आपको पता होगा किसने उसको क्या चेंजेस किए हैं, अच्छा या इम्प्रूवमेंट किया है, या अगर कभी कोई डेट्रीमेंट किया है। और एक और बात, आप लोग सब को अच्छे से पता है, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं अपने पीसी लैपटॉप पे, हमेशा हम लोग थोड़े थोड़े टाइम पे कंट्रोल एंड एस प्रेस करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं उस, तो गूगल डॉक का एक और फायदा है, और कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं और चेंजेस कई बार लॉस्ट हो जाता है, पर गूगल डॉक का फायदा यह है कि आपको कभी भी CTRLS सेव प्रेस करने की कभी भी जरूरत है ही नहीं, हमेशा सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली सेव हो जाते हैं। और एक और मेजर बेनिफिट है कि आप अपने कंटेंट्स कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं, चलते फिरते आप, कई बार हम लोग का कुछ काम होता है और हम लोग बोलते हैं कि वो काम तो हमारे पीसी पे है, वो काम तो हमारे लैपटॉप पे है, वो अभी हमारे पास नहीं है, पर यहाँ पे आप गूगल डॉक पे कहीं से भी साइन इन कर सकते हैं, अपने कॉलेज से, अपने मोबाइल से, और उस डॉक्यूमेंट को फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। और अभी मैं आपको गूगल डॉक्स पे ले जाता हूँ, और आपको उसके कुछ फीचर्स का विजिबल डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल गूगल पे आ जाएं। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करें, और इन 9 डॉट्स पे आप क्लियरली देख सकते हैं, डॉक्स भी है, शीट्स भी है, स्लाइड्स भी है, और भी कई चीजें हैं, पर अभी हम इन पे फोकस्ड हैं, गूगल डॉक्स पे। सो आप गूगल डॉक्स पे आ गए, अब आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीजों का टेम्पलेट भी बना हुआ है,
जैसे ब्रोशर बनाना है आपको, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई रिज्यूमे या लेटर लिखना है आपको, कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल, रिसर्च प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाना है, और आप में से कुछ लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं या तो सुपरवाइजर हैं या फिर पीएचडी एमफिल कर रहे हैं, तो अपने सुपरवाइजर को भी आप गूगल डॉक पे कंटेंट शेयर कर सकते हैं, जो वो एक्सेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं उस पर। या आप कुछ अपने कलीग्स, दूसरे जगहों पे कलीग्स हैं, उनके साथ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया है, और आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस ऑलमोस्ट इंटायरली फैमिलियर होगा सबके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही वर्ड जैसा ही इंटरफेस है। सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं, जितने सारे फीचर्स मैंने बताए उसके अलावा भी और फीचर्स हैं। तो उसके लिए जैसे एक फीचर इसमें आपका है वॉइस टाइपिंग का, तो वॉइस टाइपिंग का फीचर मुझे इनेबल करने दीजिए। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आपके कॉलेज में कितने सारे, बहुत सारे लैंग्वेज के टीचर्स हैं, लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हैं आपके, तो आप देख सकते हैं। अभी कल भी कुछ टीचर, हमेशा टीचर्स का रहता है मेरे कॉलेज में भी, हर कॉलेज में, कि हिंदी और नॉन इंग्लिश, उर्दू है, संस्कृत है, या कोई और स्पेशलाइज्ड कोर्स, फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स भी हो सकता है। तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में हम लोग ऑनलाइन कैसे कंटेंट टाइप कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल या कुछ भी, तो ये एक इशू रहता है। तो गूगल डॉक पे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके शो कर रहा हूँ, इतने सारे, दुनिया भर के सारे लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल हैं। अभी मैं एक बार हिंदी लेके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक टू स्पीक है। अगर हम क्लिक कर देंगे तो जो भी हम बोलेंगे वो अपने आप टाइप होता जाएगा। तो अभी देखते हैं इसे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर वो आवाज क्लियर है, साफ है, लाउड एनफ है, तो वो आसानी से यहाँ पे रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो थोड़ा सा मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बीच में यूज कर दिए, इसलिए गड़बड़ हो गई, पर आप देख सकते हैं कि बाकी सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही आसानी से, आराम से, खुद ब खुद लिखी जा रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में सोच रहा हूँ क्या बोलना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है, इससे आप बैठे बैठे बिना पेन उठाए, बिना कुछ कलम उठाए, आप ऐसा गूगल डॉक बना सकते हैं, जिसे आप अपने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर सकते हैं, आप कहीं भी और अपने कंटेंट के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, नोट्स के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। नोट्स भी कई टीचर्स लिख लिख के बनाते हैं, तो आप उसे भी यहाँ कर सकते हैं। फिर अगर मैं इसे स्टॉप कर दूं और लैंग्वेज अब कुछ और चेंज कर लेते हैं, हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं, मुझे ज़्यादा लैंग्वेजेस पता नहीं है, तो मैं आपको दो ही लैंग्वेज में बता पाऊंगा। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं, तो इंग्लिश कर लेते हैं अगर। सो नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग। ओके, एक बार ऑन करना पड़ेगा, यहाँ ऑन हो गया। आप रेड, यू आर सीइंग द रेड बटन, इट सिग्नल्स दैट इट हैज बीन स्विच्ड ऑन। नाउ यू कैन अगेन सी दैट इट इज ऑटोमेटिकली टाइपिंग। वी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग सच एन असिस्टेंट हु कुड राइट फॉर अस, हु कुड टाइप फॉर अस, टाइप आवर नोट्स, टाइप आवर स्टडी मटेरियल, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी टाइप्ड, यू विल जस्ट नीड टू गो थ्रू इट अगेन एंड चेक द स्पेलिंग्स और एड फुल स्टॉप कॉमा ईटीसी एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, अदरवाइज द इंटायर कंटेंट, इंटायर लेक्चर यू कैन क्रिएट लाइक दिस।
Also, if you have something which is there in one language and you want to translate it into another language, then let me show it also that also to you. So let me put a stop. I have stopped this. अब आप इसमें टूल्स में देख सकते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो अब अगर इसे हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें, किस डॉक्यूमेंट में हमें किस में हमें ट्रांसलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई थिंक काफी सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, एक उर्दू डिपार्टमेंट भी है, तो इसमें ट्रांसलेट करके देखते हैं, क्योंकि हमने मिक्स कंटेंट रखा था हिंदी और इंग्लिश का। तो आप अब मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, जो एक्सपर्ट होंगे वो देख सकते हैं कितना सही कितना गलत लिखा गया है। आप देख सकते हैं मेरा पहला पैराग्राफ हिंदी में था, दूसरा इंग्लिश में था, पूरा का पूरा कंटेंट उर्दू में भी ट्रांसलेट हो गया है, संस्कृत में भी ट्रांसलेट हो जाएगा, पंजाबी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा, जर्मन फ्रेंच स्पेनिश में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। पर फिर एक बार आप इसे शेयर करने और भेजने और फाइनलाइज करने के पहले एक बार आप इस तरह के कंटेंट को चेक कर लीजिए, अपने एंड पे देख लीजिए। सो ये सारा पावरफुल फीचर्स अब हमारे पास है, और आप देख सकते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट से इसमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। इसी तरह से आप इसमें काफी सारी और चीजें कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे यहाँ पे आपके कॉलेज में मैथ्स डिपार्टमेंट भी है, तो इक्वेशंस वगैरह लिखने में काफी सुविधा चाहिए होती है, तो एड-ऑन्स में आप जाके गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे। एड-ऑन्स में गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे आप, तो सबसे शुरू में ही आपको दिख जाएगा मैथ टाइप। तो मैथ टाइप आप अपने गूगल डॉक के साथ इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप मैथमेटिक इक्वेशंस ईजली टाइप करेंगे। कुछ कॉमर्स वगैरह में भी कहीं कहीं इक्वेशंस आ जाता है, जहां भी आता है आप इसको ईजली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं बिब्लोग्राफी, अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो बिब्लोग्राफी जनरेट करनी है, चार्ट्स बनाना है, बहुत सारे टीचिंग को फैसिलिटेट करने के लिए रूब्रिक जनरेट करना है, रिपोर्ट्स, टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने है, सारे फैसिलिटीज मच मोर देन नॉर्मल वर्ड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनको खुद भी एक्सप्लोर करिए। और आप इसमें टाइपिंग का भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज फाइल में जाके मैंने लैंग्वेज पे क्लिक किया, तो अगेन जो मैंने आपको लिस्ट शो की थी सारे लैंग्वेजेस आ रहे हैं। आप यहाँ पे जैसे ही कोई भी लैंग्वेज चेंज करते हैं, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पे अगर हिंदी कर दूं, तो अगर जैसे ही आप कोई भी लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका हिंदी का टूल किट आ गया, हिंदी का कीबोर्ड आपके पास आ गया, जिसमें आप टाइप करेंगे, जिसमें आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, या आप देखिए हिंदी का कीबोर्ड आ गया। अब आप हिंदी में इसको पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गूगल डॉक को बहुत ही रिच मैनर में यूज कर सकते हैं, और अगेन आप इसमें अपने बच्चों को, कलीग्स को, सीनियर टीचर्स को, फेलो रिसर्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना होगा। पहले आप अपना डॉक्यूमेंट कुछ बना लीजिए, उसका कुछ नाम दे दीजिए, जैसे सैम्पल गूगल डॉक मैंने नाम दे दिया, ताकि दूसरे लोग किसी नाम से पहचान सकें आपके डॉक को। फिर आप शेयर पे क्लिक करिए। शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं मेरी मेल आईडी आ रही है। अब वो पूछ रहा है कि आप किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी दूसरे कलीग्स हैं, दूसरे टीचर्स हैं, जैसे मैं अगर अनुपम सर के साथ शेयर करना चाहूँ, तो अनुपम सर की मैंने मेल आईडी यहाँ डाल दी। अब दो तीन बातों का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस हैं कि आप जैसे मैं अनुपम सर के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें क्या बनाना चाहता हूँ, एडिटर बनाना चाहता हूँ, कमेंटर बनाना चाहता हूँ, या सिर्फ व्यूअर बनाना चाहता हूँ। तो व्यूअर सिर्फ वो लोग होंगे जो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट
या क्योंकि ये जो सेटिंग्स है ये सेम है, गूगल डॉक के लिए भी सेम है, गूगल स्लाइड के लिए भी सेम है, गूगल शीट्स के लिए भी सेम है। तो मैं आपको सेम सेटिंग्स बता रहा हूँ तीनों चीजों की। तो व्यूअर लोग जो होंगे वो सिर्फ आपके वर्क को देख सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी और नहीं कर सकते। तो कई बार हम लोग प्रिंसिपल को, TIC को या कोई सीनियर कलीग्स को भेजते हैं बस टू गेट देयर अफर्मेशन, कंफर्मेशन। तो आप उन्हें व्यूअर बना सकते हैं या फिर आप उन्हें कमेंटर भी बना सकते हैं। तो वो कमेंटर होंगे तो वो देखने के साथ साथ जहां उनको लगेगा कि चेंज करना है तो उस पार्ट पे वो कमेंट कर सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं। पर आप अगर उनको एडिटर बना देंगे किसी को भी, तो आप उनको फुल एक्सेस दे देंगे, वो पूरा आपका कंटेंट को चेंज भी कर सकते हैं और वो आगे जाके भी दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कितना राइट देना है दूसरे को वो आप अपने जरूरत के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि सेटिंग्स में अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडिटर बनाते हुए भी आप ये वाला ऑप्शन अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्टेड है कि एडिटर्स कैन चेंज परमिशंस एंड शेयर। तो आप चाहते हैं कि दूसरा पर्सन एडिट तो कर सके पर आगे किसी को नहीं शेयर कर सके, तो आप यहाँ पे इसको अनटिक कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे आपका रिसर्च पेपर है, तो वो कोई आपने किसी को भेजा तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि वो कोई कॉपी कर ले उसे, कोई उसे प्रिंट कर ले या डाउनलोड करके रख ले अपने पास, अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे ये अनटिक कर सकते हैं, व्यूअर्स एंड कमेंटेटर्स। अब आपका वर्क को ना कॉपी कर पाएगा, ना डाउनलोड कर पाएगा, ना प्रिंट कर पाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है जिससे आप कंट्रोल डिसाइड कर सकते हैं। ये तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स आपको पता है कि ऑनलाइन कंटेंट भी हमें क्रिएट करना होगा। हम लोग सारा फिजिकल कॉपी में, हार्ड कॉपी में नोट्स बुक्स देते आए हैं, फोटोकॉपीज बच्चों को, पर अब ऑनलाइन भी कई चीजें हमें करनी पड़ेंगी। जैसा समय है ऑनलाइन कंटेंट वेबसाइट्स पे डालने का भी कई बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, ये आपको इस मामले में काफी हेल्प करेगा। अब आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे आपको किसी सब्जेक्ट पे ऑनलाइन कंटेंट बनाना है तो आप अपने दूसरे कॉलेजेस के कलीग से कांटेक्ट कर लीजिए जो सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो हमारे DU में सेम सिलेबस है, और आप आपस में काम शेयर कर सकते हैं। अब सिमिलरली एक हम लोग दूसरी चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि आप हम लोग अब अगर जल्दी से गूगल शीट्स देख लें। कल थोड़ा सा हमने रूब्रिक्स करते हुए भी गूगल शीट्स देखा था, तो आप यहाँ अगेन देख सकते हैं गूगल शीट्स है। तो कोई भी आपको यहाँ पे, जैसे आपको कॉमन डेटाबेस बनाना है, जैसे कई बार हमें सीनियोरिटी रिपोर्ट लिखनी होती है या फिर हमें कुछ कंपाइल करना होता है या टीचर से डेटा कलेक्ट करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्प्रेडशीट बना लीजिए जिसमें ब्रॉड हेडिंग्स आप डाल दीजिए, जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए चाहे आपके कलीग से या बच्चों से, और फिर आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई अपना अपना इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर दे, रादर देन एक बंदा सबका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहे जिसमें बहुत टाइम भी लग जाता है। आप सबके साथ एडिटेबल एक्सेस शेयर कर लीजिए और वो अपना अपना कंटेंट ऐड कर लेंगे। अगेन जो भी कोई चेंजेस करेगा वो सब आपके रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होगा, तो कोई किसी का दूसरे का रिकॉर्ड चेंज या हार्म या डिलीट करेगा तो आपको पता चल जाएगा। और गूगल डॉक्स की तरह ही गूगल शीट्स में भी आपको कभी भी कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने कुछ टाइप किया इमीडिएटली सेविंग आ गया, तो हर चीज जो भी हम करते हैं वो इमीडिएटली आपके इस अकाउंट से, जैसे जिस मैं Gmail ID से खोल रहा हूँ ये, उससे लिंक जो गूगल ड्राइव है उसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। सिमिलरली कई बार हमें, हम लोग साथ में कुछ काम कर रहे होते हैं
अब कई कॉलेजों, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजों में नैक आ चुका है या सेकंड साइकिल भी कई कॉलेजों में आ रहा है, फर्स्ट साइकिल भी जहां बाकी है वहां आएगा, तो या कुछ भी हम लोग किसी भी चीज के लिए हम लोग कई बार प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसा आप पीपीटी जानते हैं, पीपीटी बनाते हैं, इसमें कई सारे फैसिलिटीज हैं। अगेन पीपीटी के कई थीम्स हैं, स्टाइल्स हैं, लेआउट्स हैं, तो ये सारा आपके पास अगेन अवेलेबल है, जिसको आप अगेन शेयर भी कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली लोग कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे आप डिपार्टमेंट की पीपीटी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि कई डिपार्टमेंट के आपके कलीग्स टीचर्स उनको देख लें, एक बार चेक कर लें, कंफर्म कर लें, कुछ ऐड करना है बता दें। सो ये सारे काम आप कोलैबोरेशन में कर सकते हैं, आपको बस एक शेयर करना है लिंक विद अदर टीचर्स। तो ये सारी बातें थी टीचर्स। अब मैं आपसे एक जो मेजर एजेंडा है आज का, गूगल मीट, वो डिस्कस करना चाहूंगा। तो आप गूगल मीट जनरेट डिस्कस करने के पहले मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करता हूँ। जैसे आपकी ये ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है, अब आप इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा इन द एंड ऑफ द सेशन। अब आपने जब जैसे यहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ है एक ईमेल आईडी से, अब आप कैलेंडर इन्हीं 9 डॉट्स पे क्लिक करके, जहाँ पे हमारा ड्राइव भी है, जीमेल भी है, यूट्यूब भी है, गूगल क्लासरूम भी है, गूगल डॉक भी है, गूगल शीट्स भी है, गूगल स्लाइड्स भी है, सब कुछ है यहाँ पे, तो गूगल मीट भी है। तो आप इन्हीं 9 डॉट्स में कैलेंडर पे जाइए। तो कैलेंडर पे आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे, आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे टीचर्स, जहाँ पे मेरा कर्सर है उधर देखें, कि यहाँ पे मेरे गूगल क्लासरूम के जो क्लासेस थे, इंटरनेशनल फाइनेंस या जो भी कोर कोर्सेज मैं पढ़ा रहा था, या आईसीटी टूल्स, एफटीपी, या जो भी जो हमने कल भी देखा था, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिंक होती हैं। यही फायदा है गूगल की सर्विसेज यूज करने का, वन अकाउंट वन सर्विस। तो एक ही गूगल अकाउंट से, चाहे वो मेल हो, चाहे वो गूगल क्लासरूम हो, अब यहीं से आप अपने गूगल क्लासरूम का भी कोई क्लास या मीटिंग या कुछ भी शेड्यूल कर सकते हैं, मीट का भी कुछ शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ये मैं स्केड्यूल कर रहा था, मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं एक ये डाल सकता हूँ, टाइम डाल सकता हूँ। अब जैसे 3:30 या 3:45 पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो टाइम डाल सकता हूँ। ज्वाइन विद गूगल मीट करूंगा तो हम लोग इस पे, आप देख रहे हैं मीटिंग का कोड जेनरेट हो गया है। चूंकि मैं अपने पर्सनल ईमेल आईडी से लॉग इन हूँ, तो इसलिए सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट्स अलाउड हैं इसमें, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो आप सारा मीटिंग से लेके क्लास से लेके सारी चीजें अपने एक कैलेंडर में सेव कर सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन वगैरह आपके फोन पे भी आ जाता है। तो आप, अब ये मेरा इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा अगला मीट लगभग 3:30 से शेड्यूल किया हुआ है, और इसका लिंक है, और इतने पार्टिसिपेंट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार मीट के फीचर्स देखते हैं। तो जनरली अब मैं इंस्टीट्यूशनल आईडी से आपको मीट के फीचर्स थोड़ा शो करूंगा, उसके बाद 2-5 मिनट में मैं क्वेश्चंस भी ले लूंगा। तो ऐसा जनरली इंटरफेस आएगा आपको गूगल मीट का। इसमें ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, पर वो अच्छा भी है, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम उसकी बात करेंगे। आप ये इंटरफेस देख सकते हैं, मीट टाइम डेट सब चीजें आपको दिख रही हैं, किस अकाउंट से आपने लॉग इन किया हुआ है। मैंने कॉलेज के अकाउंट से लॉग इन किया हुआ है, और यहाँ पे आपको कुछ और चीजें, ऑडियो वीडियो की सेटिंग्स भी दिख रही होगी। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले तो मीटिंग का मैं कुछ टाइटल दे सकता हूँ, या जैसे डेमो क्लास, या मैं इसको अगेन वहां पे गूगल कैलेंडर में जाके स्केड्यूल कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि
कि मैंने ऑलरेडी एक चीज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी एक चीज स्केड्यूल की भी है, टीचिंग लर्निंग वर्कशॉप जो इसका सेशन टू है वो इसी अकाउंट से थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तो ये ऑलरेडी स्केड्यूल किया हुआ है, तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं तो, या फिर आप इमीडिएटली अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग एक मीटिंग स्टार्ट करके इसको देख लेते हैं, तो कैमरा मैं ऑफ कर देता हूँ। सो आप देख रहे हैं कि ये ऑडियो भी ऑफ कर देता हूँ ताकि इको ना हो, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आता है गूगल मीट में। तो आप खुद ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन को अगर कॉपी कर लूंगा, मेरे इसमें कुछ एडिशनल चीजें आ रही हैं, मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा अभी। सो मैंने कॉपी यहाँ पे जाके, यहाँ पे मीटिंग का डिटेल्स है तो यहाँ पे कॉपी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन मैंने किया, तो अब मीटिंग का लिंक कॉपी हो चुकी है जो मैं अपने अगेन व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकता हूँ, गूगल क्लासरूम पे डाल सकता हूँ, या फिर किसी भी और तरीके से मैं शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का या पीपल का आइकन आपको दिख रहा होगा, इसमें ऐड पीपल करके मैं यहाँ पे किसी और लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं अपने ही दूसरे ईमेल आईडीज के से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं दूसरे लोगों को यहाँ पे मेल से इनवाइट कर सकता हूँ, इनको इनविटेशन मेल चली जाएगी, इनवाइट सेंड आप देख सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं उनको लिंक शेयर कर सकता हूँ जिससे वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसमें जैसा मैंने बताया काफ़ी सिंपल इंटरफेस है इसका, तो इसमें पीपल में आपको सारे पार्टिसिपेंट्स दिख जाएंगे, चैट में सबसे होता हुआ चैट दिख जाएगा, प्रेजेंट नाउ आप करना चाहेंगे तो आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप एक कोई पर्टिकुलर विंडो प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं पीपीटी या मेरे डिफरेंट चीज़ें जो खुली हुई हैं उनमें से क्या प्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं, और प्रेजेंटेशन अगर मैं खोलता हूँ तो बाकी सारी चीज़ें हिडन हो जाती हैं। फिर एक बार मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। सो फिर आप नीचे देख पा रहे होंगे कैप्शंस भी है इसमें, एक थोड़ा सा यूनिक फीचर है गूगल मीट में, कैप्शंस है, तो आप मैं अगर टर्न ऑन कैप्शंस कर दूं, सो सिंस द कैप्शंस हैव बीन टर्न्ड ऑन, सो एक सेकेंड आई थिंक इट शुड स्टार्ट टेकिंग नोट्स। तो कैप्शंस ऑन करने के बाद यहाँ पे आपका कैप्शंस लिखा हुआ आ जाता है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। एक दो ऑप्शन यहाँ पे मोर ऑप्शंस का बटन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके लिए आप फोन यूज़ करना चाहते हैं, कैप्शंस का है, फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, लेआउट चेंज करना चाहते हैं, कैसा टाइल्ड दिखे, साइड स्लाइड बार ऐसा दिखे, स्पॉटलाइट हो जाए, स्पॉटलाइट मतलब स्पीकर पे रहेगा, जो भी बोलेगा उस पर चला जाएगा पूरा का पूरा स्क्रीन का इंटरफेस। अगर आप ये एक इम्पॉर्टेंट बात है टीचर्स, आप प्लीज़ नोट करिए, अगर आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तभी आपका रिकॉर्ड मीटिंग का ऑप्शन आएगा, अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से लॉगिन करेंगे तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, इसीलिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, पर सारे बच्चे हर क्लास में अटेंड नहीं कर पाएंगे उस समय, कई बच्चों को लॉगिन इंटरनेट और कई सारे इश्यूज होते ही हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपना सेशन रिकॉर्ड कर लें, बोथ फॉर ऑफिशियल पर्पस अगर कोई आपसे पूछे, एंड ऑल्सो कि बाद में सेम टॉपिक आपको अगेन एंड अगेन कवर नहीं करना पड़े, तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग कर लें, तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो ये चीज़ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अगले सेशन में, ये सेशन ऑलरेडी
जूम से अनुपम सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला सेशन जो मेरे अकाउंट से होगा तो उसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग शो हो जाएगा आपको भी। और कल वन्ना मैम ने भी पूछा था, और टीचर्स का कॉमन रहता है कि हम लोग अटेंडेंस कैसे ले सकते हैं। तो अटेंडेंस का मैं आपको बताता हूँ। आप क्रोम का वेब स्टोर है, गूगल क्रोम का वेब स्टोर है, जिसमें एक ऑफिशियल ऐप है मीट अटेंडेंस। मीट अटेंडेंस, इसका मैं लिंक भी अनुपम सर और वंदना मैम के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे आगे। या आप सिंपली क्रोम वेब स्टोर में सर्च कर सकते हैं, मीट अटेंडेंस नाम से ऐप है। तो ये मीट अटेंडेंस से आपके सेशन में आपने जो भी मीटिंग्स की हैं उसमें कौन आया है, कौन कौन आया, कब उन्होंने साइन इन किया, कब उन्होंने एग्जिट कर दिया, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हो जाएंगी। जैसे सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि किसने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया और कितने बजे ज्वाइन किया और कितने बजे एग्जिट कर गया, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला इसका एक सेकेंड, मुझे पहले एक दो लोगों को इसमें ऐड करने दीजिए तो मैं आपको शो कर पाऊंगा कि अटेंडेंस कैसे आ रही है। मैं दूसरे ईमेल आईडी से ज्वाइन कर चुका हूँ, और मैं देखता हूँ अगर एक और ईमेल आईडी से मैं ज्वाइन कर लूँ तो आपको ज़्यादा सुविधा हो जाएगी देखने में। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए कि अलग अलग स्टूडेंट्स का कैसे रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैं दूसरी ईमेल आईडी से भी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, तो अब आप देख पाएंगे, मैं आपको वापस इसमें ले आता हूँ। अब यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स हो गए, तो मेरे ही दूसरे दूसरी ईमेल आईडीज हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। मैं इनको एज अ होस्ट, मैं इनको एक मिनट, मुझे होस्ट वाली आईडी से देख लीजिए। हाँ, इनमें मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ या फिर इनका वीडियो पिन कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी म्यूटेड है इसलिए इनको म्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ या फिर इनको पिन टू स्क्रीन कर सकता हूँ। अब जैसे ही आप ये वाला ऐप, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, पर आप में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको आपके सिस्टम में ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें आपको अटेंडेंस, यहाँ पे क्लास लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, और आप इनका स्टार्ट टाइम देख सकते हैं, 14 मिनट्स, 14:25 पे हमने एक दूसरी मीटिंग स्टार्ट की थी, उसका आ रहा है अभी। तो इसका अटेंडेंस यहाँ पे आप, अगर हम प्रीवियस वाला रिमूव कर लें, तो यहाँ पे आप जैसे ही ये ऐप मीट अटेंडेंस ऐप आप क्रोम में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये आइकन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सेव अटेंडेंस एज CSV, सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल। CSV फाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सेल फाइल के,
तो आपका एक्सेल में ये अटेंडेंस डाउनलोड हो जाएगा इस मीटिंग का, इंक्लूडिंग कि कब कौन आया था, कब कौन एग्जिट हुआ। तो मैं अब जैसे एक आईडी से मैं एग्जिट करता हूं, तो मैं एक आईडी से अब लेफ्ट कर गया हूं और दूसरी आईडी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सो यहां से भी मैं लीव करके देखता हूं। हाँ, सो अब मैं यहां पे अगर अपना अटेंडेंस सेव कर लूं क्लास लिस्ट के नाम से, बस मुझे कुछ नहीं करना है, ये आइकन अपने आप आ जाएगा, आपको बस क्लास लिस्ट डाउनलोड करनी है। तो अब मैं आपसे ये एक्सेल फाइल शेयर करता हूँ जो अटेंडेंस की डाउनलोड हुई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक सारे मेरे ही आईडीज थे, तो एक आईडी से मैं 1533 पे एंटर किया और 1534 पे एग्जिट कर गया, और दूसरी आईडी से मैं 1528 से ज्वाइन हूँ। तो बेसिकली हर बच्चे का पूरा टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम पे वो आएगा और कितने टाइम पे वो चला गया। तो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा, पर इससे आपका काम मुझे नहीं पता कैसे आसान होगा या नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज किस तरीके से आपकी अटेंडेंस ले रहा है। सो अगर आपका कॉलेज ऑलरेडी किसी एक्सेल शीट या किस प्रोफॉर्मा में आपसे अटेंडेंस मांग रहा है, उस पे ये डिपेंड करेगा। फिर मैंने एक नॉड का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि हम लोग गूगल मीट पे क्लास लेते हैं तो एक्सटेंशंस कुछ चाहिए होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो ये नॉड का एक्सटेंशन आपको भी इंस्टॉल करना होगा और बच्चों को भी इंस्टॉल करना होगा। इससे क्या फायदा होगा कि बच्चे एक तो हैंड रेज कर पाएंगे, तो बच्चे बिना अपने आप को अनम्यूट किए हैंड रेज करके आपसे पूछ पाएंगे, हैंड रेज करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि इस बच्चे ने, आप देखिए अर्नव हैज रेज्ड देयर हैंड, तो आपको पढ़ाते समय ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बच्चा कुछ पूछ रहा है तो वो अनम्यूट करेगा तो बीच में साउंड इको हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने हैंड रेज किया है कुछ पूछने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो आप अपने कन्वीनियंस से टीचिंग में पॉज करके उसके डाउट को पूछ सकते हैं, उसको अनम्यूट करवा सकते हैं या चैट में उससे पूछ सकते हैं और आप उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप बच्चों से ये पूछना चाहते हैं कुछ समझ में आया या नहीं आया, या उनको कोई डेटा फाइल मिल गया, या उनको प्रेजेंटेशन मिल गया था या नहीं मिला था, तो बच्चे थम्स अप करेंगे, इसका मतलब उनको वो चीज मिल गई या उनको वो चीज समझ में आ गई। अब जैसे आप पूछना चाहते हैं कि क्या टेस्ट अगले हफ्ते रखा जाए, तो बच्चे आपको डाउन एरो शो कर देंगे कि नहीं, अगले हफ्ते के लिए हम लोग रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है। फिर अगेन आप एज अ टीचर भी क्लैप कर सकते हैं, अगर आप बच्चों का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं या कुछ, तो आप इस तरह से रिएक्शंस इसमें शो कर सकते हैं। तो ये भी एक यूजफुल चीज है, खासकर जो हैंड रेजिंग और थम्स अप थम्स डाउन वाला है, ताकि आप क्विकली फीडबैक ले सकें कि बच्चे तक जैसे वॉइस जा रही है या नहीं, या स्क्रीन शेयर में पीपीटी दिख रही है या नहीं, या आपने कोई फाइल शेयर किया है वो बच्चों को मिल गया या नहीं, एंड सो ऑन। और लास्ट एक्सटेंशन जो यूजफुल है वो है गूगल मीट ग्रिड व्यू। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी वीडियो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके पास ग्रिड के फॉर्म में आ जाएंगे, ग्रिड के फॉर्म में, यानी कि जैसा आप इसमें भी देखते हैं, एक मिनट में अगर आपको शो कर दूं, अच्छा अभी इसमें नहीं आ पाएगा, अगेन मुझे ऐड करना पड़ेगा लोगों को, तो अभी मैं क्रोम में आपको शो कर दूंगा। तो आप ग्रिड व्यू में, मतलब छोटे छोटे आइकन्स में एक साथ कई सारे पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा टीचर्स यूजफुल हो जाता है, खासकर आप ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ले रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं साथ साथ, बच्चे सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या प्रेजेंट भी हैं या गायब हो गए मीटिंग में ज्वाइन करके सो गए या चले गए कहीं, तो
आप उनको वीडियो ऑन करने बोल सकते हैं, और उस केस में ग्रिड व्यू आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 9-10 पार्टिसिपेंट्स को आप एक ही स्क्रीन में छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्सेस में देख पाएंगे। एंड क्रोम गूगल मीट इंस्टीट्यूशनल आईडी से फ्री है और टाइम लिमिट नहीं है, और ये आपका इसमें एक्सटेंडेबल भी है, पर जो पर्सनल आईडी से है उसमें सितंबर तक के लिए 60 मिनट का टाइम है। और एक और चीज, गूगल क्लासरूम में आपको आप उन्हीं लोगों को ऐड कर सकते थे जो आपके इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं, अगर आपने इंस्टीट्यूशन से ईमेल इंस्टीट्यूशनल ईमेल से गूगल क्लासरूम स्टार्ट किया है। पर गूगल मीट में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, गूगल मीट में आप उन लोगों को भी ऐड कर सकते हैं जो आपके इंस्टीट्यूशन के नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूशनल ईमेल पे नहीं है, मतलब नॉर्मल जो बच्चे हैं और अपने किसी भी ईमेल आईडी से वो लॉगिन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मीट। पर इसका एक और लिमिटेशन कह लीजिए या जो भी, इसके लिए आपको गूगल का अकाउंट चाहिए अगर आप गूगल मीट ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दैट्स इट आई थिंक। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वन्ना मैम और अनुपम सर से कि वो नेक्स्ट मीटिंग का लिंक शेयर कर दें। तब तक मैं एक बार चैट में भी कोई क्वेरीज ले लेता हूँ। आई थिंक शेयर कर पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि चैट बॉक्स पे जो मैंने